नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी सभी 80 सीटें जीतेगी, तो उन्होंने यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया है। इस दौरान केशव मौर्य ने विपक्षी पार्टी को समाजवादी पार्टी बताया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। कलेक्ट्रेट में डिप्टी सीएम ने समीक्षा बैठक भी की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। किया गया है तालाबी नंबरों में भी कहीं कोई जमीन पर कब्जा है तो उसे भी खाली कराया जाए, क्योंकि तालाब किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है, वो समाज की संपत्ति है। पर्यावरण की रक्षा के लिए तालाबों का, पेड़ों का, नदियों का, नालों का, इनका सबका बचाव अति आवश्यक है। और देश ने 75,000 से अधिक अमृत सरोवर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर बनाने का काम किया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में 15 अगस्त को लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि 2 करोड़ समूह की दीदियों को लखपति बनाने का काम करें। वृंदावन हादसे को लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य गोकुल रमणीति पहुंचे थे। बता दें कि मंगलवार शाम को बांके बिहारी मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर राधा स्नेह बिहारी मंदिर के पास बंदरों के झगड़े के दौरान पुरानी बिल्डिंग की दीवार का छज्जा गिर गया था। इस दौरान मौके से गुजर रहे 11 श्रद्धालु दब गए थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई थी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि वे अगली 23 तारीख को दोबारा मथुरा आएंगे, तब इस मामले को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आने का कार्यक्रम था, लेकिन उस समय भीड़ अधिक होने के कारण से नहीं आ पाया था। तो अभी 23 तारीख को फिर मैं आऊँगा पार्टी कार्यक्रम की दृष्टि से। भगवान का कल प्रवास कार्यक्रम है, तो आज ही दर्शन करके अभी मैं आ रहा हूँ संभल मुरादाबाद दौरे पर हूँ, और 23 तारीख को फिर यहाँ आएंगे। तो आपसे सर 2 दिन पूर्व सर बांके बिहारी मंदिर के पास में एक बहुत दुर्घटना हुई, जिसकी दुर्घटना हुई है, और ऐसी दुर्घटना ना हो इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाने सर, कॉरिडोर की मांग दोबारा से उठने लगी है क्या कहेंगे? वो तो सरकार उसके लिए तैयार थी, कुछ स्थानीय स्तर पर ही हल्का फुल्का जो विरोध हो रहा था उसमें बातचीत करके रास्ता। बुलेटिन में बाद शूटर मोहम्मद गुलाम और असद के एनकाउंटर के, दरअसल मामले को लेकर के न्यायिक आयोग की 2 सदस्यीय टीम झांसी में सर्किट हाउस पहुंच चुकी है। 2 दिन तक न्यायिक जांच आयोग की टीम झांसी सर्किट हाउस में मौजूद रहेगी और लोगों के बयान दर्ज करेगी। राजीव लोचन मेहरोत्रा को न्यायिक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि पूर्व डीजी विजय कुमार गुप्ता उनकी टीम में मौजूद हैं। बागपत के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार छापेमार कार्रवाई करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ग्राम विकास संस्थान बड़ौत में छापा मारा। निरीक्षण में प्रधानाचार्य डॉक्टर अजीत सिंह अनुपस्थित मिले। जानकारी मिली कि प्रधानाचार्य उपस्थित पंजिका पर अपनी उपस्थिति नहीं लगाते हैं, जिस पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की। प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्राम विकास संस्थान में पवन कुमार एक्सटेंशन ट्रेनिंग ऑफिसर नहीं मिले। वे मेरठ प्रशिक्षण में गए थे और अपने साथ अपना फॉर्म भरवाने के लिए अपने स्टेनो पंकज कुमार को भी साथ लेकर गए थे, जिस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और पवन कुमार की योग्यता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अपना फॉर्म नहीं भर सकता वो अधिकारी योग्य ही नहीं है। उन्होंने पवन कुमार से उनका स्पष्टीकरण भी तलब किया है। ग्राम विकास संस्थान है बड़ौत में, और इसका निरीक्षण मेरे द्वारा आज अपराह्न में किया गया है। जो प्रधानाचार्य हैं मिस्टर अजीत सिंह, वो अनुपस्थित हैं। जो इनके एक्सटेंशन ट्रेनिंग ऑफिसर हैं वो प्रशिक्षण में गए हैं मेरठ में, वो अपने स्टेनो को ले गए हैं जो समझ से परे हैं। उनका कहना है कि स्टेनो उनका फॉर्म शायद भरेगा, अगर वो इस योग्य नहीं है कि अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकें ट्रेनिंग सेशन में, तो ट्रेनिंग क्या करेंगे। जो इस कॉलेज का जो अन्य स्कीम्स हैं उसमें मई के बाद से कोई ट्रेनिंग नहीं। प्रयागराज के हंडिया का एक दलित परिवार दबंगों से परेशान है, साथ ही पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है। मामला फतेहपुर माफी गांव का है। जानकारी के मुताबिक एक दलित परिवार 40 साल से ज्यादा वक्त से छप्पर लगा कर रह रहा था, मगर गांव के ही दबंग दलितों को परेशान कर रहे हैं। परिवार का आरोप है कि बिना किसी आदेश के फूलपुर कोतवाली में तैनात दारोगा ने उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी और जानवरों के लिए बना छप्पर हटवा दिया।
पीड़ित मुन्नी देवी का आरोप है कि लेखपाल और कानूनगो रात में आकर नाप करके चले गए और पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया। अब पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मामला यही है सर की जबरदस्ती हमारे जो है तो पटेल लोग जो है तो मढ़ाई रखे पर यहाँ से तार रोन रहे से तो खंभे गाड़ रहे हैं लोहे वाला। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? वो कहते हैं कि हमारा यहाँ से है, हम यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे जमीन किसकी है? जमीन सर यहाँ हमारा ढाई बिस्सा हमारा बैनामा है, उसका बाग है बंजर उस पार, वो अपनी बाग ले ले सर, जो हमारा है हम ले लें। मामला यही है सर। बुलेटिन के बाद मथुरा के बीएसए कॉलेज की जहां एनएसयूआई के छात्रों ने लॉ डिपार्टमेंट के हेड को ज्ञापन सौंपा है। छात्र संघ के चुनाव ना होने और लगातार हो रही फीस बढ़ोतरी पर नाराजगी जताई है। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष एडवोकेट हरीश पचौरी ने कहा कि एनएसयूआई प्रदेश में लगातार छात्र संघ का चुनाव ना होने को लेकर आवाज उठा रही है। प्रदेश सरकार और यूनिवर्सिटी को ये डर है कि अगर छात्र संघ के चुनाव हो गए तो जगह जगह छात्र नेता पैदा हो जाएंगे और कॉलेज के भ्रष्टाचार का खुलासा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज ने फीस में कई गुना बढ़ोतरी की है जिससे छात्रों को आर्थिक हानि हो रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सुबह प्राचार्य ललित मोहन शर्मा महाविद्यालय परिसर में ही थे लेकिन उन्होंने जैसे ही हमारे कार्यकर्ताओं को देखा वे महाविद्यालय से चले गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वे बस पद पर बैठकर हिटलरशाही करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने अन्य कई मांगे भी रखी। वहीं कॉलेज प्रशासन ने जल्द उनकी मांगे पूरी होने का आश्वासन दिया और ये भी माना कि कॉलेज में फीस बढ़ोतरी जरूर हुई है लेकिन उसका इस्तेमाल कॉलेज की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। देखिए आज हमने विभिन्न प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है जिसमें हमारी पहली मांग है छासंग चुनाव, क्योंकि छासंग चुनाव की मांग पूरे प्रदेश स्तर पर एनएसए उठाती आ रही है। आप देखिए सरकार और महाविद्यालय कितना डरता है। सरकार ने बोला हमने जियो दे दिया छासंग चुनाव का, पर महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी चुनाव नहीं करा रही है क्योंकि इन्हें डर है अगर छासंग चुनाव करा दिया तो छात्र नेता पैदा हो जाएंगे और इनकी जो भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं उसकी जड़ें ये हिला देंगे। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है फीस वृद्धि। फीस वृद्धि कॉलेज ने इतनी ज़्यादा कर दिया, सोचिए लॉ में 3,000 सीधे 8,000, कहीं पर 3,000 से सीधे 10,000, 6 से 12,000। आप सोचिए क्या इसी कॉलेज में गवर्नमेंट कोर्सों में फीस क्यों बढ़ रही है? केआर कॉलेज नहीं है, आगरा कॉलेज नहीं है, क्या आप अपने मनमा के फीस बढ़ाएंगे? उनकी जो भी मांगे हैं इसमें ये 5 या 6 मांग है इनकी, 6 मांग में मैक्सिमम मांगे तो अब पहले से ही हम लोग इनको पूरा कर चुके हैं। जैसे इनको महाविद्यालय में छात्राओं के लिए कॉमन रूम की व्यवस्था, कॉमन रूम पहले भी था आज भी है, अब वो थोड़ा और बढ़िया बन रहा है, टाइल्स वगैरह लग रहे हैं, थोड़ा ख़राब हो गया था इसलिए वो कुछ दिनों से बंद पड़ा था, उसको तोड़ के बनवाया जा रहा है। और इनकी छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग है तो छात्र संघ चुनाव अब प्राचार्य जी आएंगे तो उस पर बात करके सोची जाएगी शासन का क्या निर्देश है। हमारे हिसाब से तो कहीं पूरे प्रदेश में किसी भी महाविद्यालय में छात्र संघ के। मथुरा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब श्रद्धालुओं की मुश्किलें चुटकियां बजाते ही दूर होने वाली हैं। दरअसल डीएम के निर्देश पर सभी श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, साथ ही पर्यटक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। श्रद्धालु अपनी परेशानी हेल्पलाइन नंबर 1860-1805-08 पर दर्ज करा सकेंगे। वहीं कंट्रोल रूम में 24 घंटे शिफ्टवार पुलिस, पर्यटन, नगर निगम, राजस्व, रोडवेज और रेलवे के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इस पर्यटक कंट्रोल रूम के नोडल अधिकारी अपर नगर आयुक्त स्तर के अधिकारी को नामित किया जाएगा। पर्यटक हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली कॉल, सुझाव और समस्याओं को एक रजिस्टर में नोट कर उनका तत्काल निस्तारण करके पर्यटकों को जानकारी दी जाएगी। सहारनपुर पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बच्चा चोरी की गुत्थी को सुलझा लिया है, 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी से मिली जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल से बच्चा चोरी की जानकारी पुलिस को मिली थी जिसके बाद मामले का खुलासा करने के लिए कई टीमें बनाई गई, जिसके बाद मामले में 2 महिलाओं को अम्बाला से गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। एसएसपी ने मामले का खुलासा करने वाली टीम के लिए ₹25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। कल पुलिस को सूचना मिली कि जो सदर अस्पताल है इसमें से एक महिला का 1 दिवसीय जो बच्चा है वो गुम हो गया, जो कि एक ही दिन पहले जिसका जन्म हुआ था। और पुलिस टीम तत्काल मौके पर आई, वरिष्ठ अधिकारी सभी अधिकारीगण मौके पर आए और एसपी सिटी अभिमन्यु के नेतृत्व में हमने एक टीम बनाई जिसमें थाना प्रभारी और स्वाट टीम लगे और इस बच्चे को अथक प्रयासों से लगातार हमने ट्रैक किया और 24 घंटे के अंदर
बच्चा जो है बरामद किया गया अंबाला से, और इसमें जो दो महिलाएं हैं अभियुक्त वो हमने गिरफ्तार की हैं। और इसमें बड़ा अच्छा ये पुलिस ने ऑपरेशन किया, क्योंकि बच्चा काफ़ी छोटा था, 1 ही साल का था, और बच्चे के गुम होने की, बेचे जाने की या बच्चे की मृत्यु होने की, बेटा लगता है। ये कल क्या मामला हुआ था पहले बताइए। अजी उठ गया था, ये सुबह 5 बजे में रीति लड़ी से उन पर ठह लिया था। तो आज क्या हुआ है? आज जी बच्चा पुलिस प्रशासन ने ढूंढ कर आन लिया। बुलेटिन में बात कौशाम्बी की भी कर लेते हैं, जहां जहरीली टॉफी खाने से 4 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। मामला कड़ा धाम कोतवाली इलाके के सौरई बुजुर्ग गांव का है। हालत बिगड़ने के बाद गंभीर हालत में 3 बच्चियों को चिल्ड्रेन प्रयागराज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान 2 सगी बहनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घर की छत पर सो रहे बच्चों को सुबह अचानक टॉफी पड़ी मिली थी। परिवार के लोगों ने पड़ोसी पर रंजिश के चलते छत पर जहरीली टॉफी फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बुलेटिन के आखिर में बात गाजियाबाद की, जहां बच्चों को स्कूल ले जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। बस का पहिया अचानक गड्ढे में फंस गया था, जिसके बाद बस पलट गई। हादसा गाजियाबाद के ट्रॉनिका फुटी इलाके में हुआ। हादसे में 5 बच्चे और स्कूल बस का ड्राइवर और हेल्पर घायल हुए हैं। स्कूल बस बागपत के स्कूल की बताई जा रही है। मौके पर स्थानीय लोगों ने बच्चों की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सिटी के अंतर्गत आज डायल 112 पे सुबह सूचना मिली कि सुभानपुर बागपत में DPWS नाम का एक स्कूल है, जिसका एक बस मीरपुर हिंदू की तरफ से बच्चों को लेकर के स्कूल वापस जा रही थी। बस का एक पहिया अचानक गड्ढे में आ जाने के कारण बस पलट गई, जिसमें 5 बच्चे ड्राइवर और हेल्पर मामूली रूप से घायल हो गए थे। परिजनों द्वारा तुरंत उनको अपने साथ ले जाया गया प्राथमिक उपचार के लिए। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।